तो हेलो फ्रेंड्स, यार इस वीडियो में बात करने वाली कि ना कैसे आप अपनी बाइक में दो से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा हॉर्न लगा सकते हो, कैसे वो भी लीगली, मतलब कि आप को पुलिस परेशान ना करे और आप लोगों को परेशान ना करे, सबका भला। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम जाते हुए बाइक पर 6 हॉर्न पेल रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे कि आपको देख सकते हैं 6 हॉर्न लगा रखे हैं मैंने। पर इस सेटअप को मैंने इस हिसाब से लगाया है कि जब आप इनको, जो बड़े वाले हॉर्न, इनको चाहे जब बंद कर सकते हो, जब आप इनको चाहे जब चला सकते हो। जैसे कि यार अगर आप हाईवे पर जा रहे हो तो आप इनको बंद कर सकते हो आराम से, ठीक है। या फिर अगर आप सिटी में या फिर कुछ ऐसे जैसे सेंसिटिव होते हैं, स्कूल कॉलेज या फिर हॉस्पिटल वगैरह के आसपास जा रहे हो तो इनको बंद कर सकते हो, जिससे कि दूसरे को इनकन्वीनियंस ना बने। और हाँ, इससे मतलब कि ना आप हाईवे पर जाते हो इनको ऑन करके नॉर्मल आप अपना काम बना सकते हैं, आपको कोई मतलब भसड़बाजी नहीं करनी होगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यार अभी ना आपको ना डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि ना कैसे मैंने इनके 6 की वायरिंग का कराया। यार इसमें ना मैंने कोई वायरिंग बाहर से अपनी बस बार में से नहीं ली है, सिंपल सा मैंने एक रिले यूज़ करके अपने इसमें जो नॉर्मल वायरिंग थी उसी में एक रिले लगाई है, उसी में से आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने इसमें बनाया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ना ये जो 6 हॉर्न है कैसे काम करते हैं, कि अलग अलग, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यार चाबी लगा लेते हैं बाइक में, ठीक है। तो चाबी लगा ली अपने बाइक में। तो यार ये ना ये स्विच है अपने हॉर्न का, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये स्विच मैंने अपने हॉर्न का लगा रखा है कि जो नीचे दो बड़े वाले हॉर्न है ना, ये वाले हॉर्न, इनको जब आप चाहो तो इस स्विच से बंद कर सकते हैं। कि जैसे अब मैंने स्विच को बंद कर दिया ऑफ पे, तो नीचे दो हॉर्न बंद हो गए। जब मैं चाहूँ अगर हाईवे वगैरह पे जाऊँ तो इसको ऑन कर सकता हूँ। जैसे अभी अगर आप इसकी आवाज़ सुनोगे तो कुछ ऐसी आएगी, मैं थोड़ा पास में बैठा हूँ इसलिए आवाज़ थोड़ी तेज आ सकती है, ठीक है, ऐसी आवाज़ इसकी, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो इसकी आवाज़ कुछ ऐसी, तो अभी मैं आपको डायग्राम करके इसकी वायरिंग का डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इसका बना रखा है। तो यार एक बार और हॉर्न बजा के दिखा देता हूँ कि 6 के 6 हॉर्न कैसी आवाज़ देते हैं, देखा। और ऑफ करने के बाद ये जब 4 हॉर्न ऐसे चलते हैं तो ऐसे। इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपनी बाइक में जो 6 हॉर्न की लाइट लगेगी उसका सेटअप बनाना है। तो यार सिंपल से आपको करना क्या है ना, आपको
ये आपकी तीन हो गए, अभी एक बचा है जो मेन है, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको दोबारा, ये बैटरी का पॉजिटिव है जो आपकी बाइक में से बैटरी का मतलब मेन बैटरी है उसमें से एक पॉजिटिव वायर लेना है, 30 एम्बर में लगाना है, ठीक है। दूसरा, जो आपकी जो बाइक में स्विच लगा हुआ है हॉर्न बजाने वाला, उसमें से आपका जो एक पॉजिटिव है उसमें से एक थिम्बल रखना, जैसे आपने दबाया इन बीच का सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है, और ये ग्राउंड तो पहले से हो ही रखा है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ से पॉजिटिव गया, यहाँ पे आपके ना चार हॉर्न बच जाएंगे, तो मतलब इसके जो आप बाइक की जो नॉर्मल वायरिंग ना उस पर कोई लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपको आगे क्या करना है, तो अब आपको जैसे मैंने बताया कि भाई दो हॉर्न मैंने ऐसे रख रखे हैं कि मतलब सिर्फ हाईवे पर ही यूज़ करूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि ना अब जो चौथा हॉर्न है ना, फोर्थ हॉर्न, इसमें से एक पॉजिटिव वायर निकाला है अलग से, ठीक है, एक पॉजिटिव वायर निकाला, उसको पहले ना स्विच में लेके गया, मैं स्विच F5 के बना रखा है, स्विच में लेके गया। स्विच में लेने के बाद मतलब जैसे स्विच लगाया, इस स्विच को ना मैंने हैंडल वायर पर लगा रखा है कि भाई जैसे मैंने कोई पाँच और छः बजाने, तो यहाँ से ऑन किया, छः में करंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्विच लगाया बाइक के हैंडल में, यहाँ से पॉजिटिव लिया, बाइक के हैंडल वाले स्विच लगाया, वहाँ से जो दूसरा वायर निकला उस
स्विच लगा देना, जैसे कि यहाँ पे एक हैंडल बार स्विच, और जो यहाँ के जिन दोनों का जो नेगेटिव है उसको आपको दोबारा बाइक की बॉडी में ग्राउंड कराना है। ये सिंपल सा सेटअप है आपका, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे, अगर आपको भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको थोड़ा इसको और लिख देता हूँ, हॉर्न 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 हॉर्न, अगर आपको मतलब चलो भाई बाय, जब तक।